बाइबल का एक प्रिंसिपल आपने बहुत बार सुना होगा कि फर्स्ट सीक माय किंगडम एंड माय राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। पहले तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तो अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कही, ये बाइबल में पूरी भी होते हुए हमने देखी है। कहाँ पर ये हुआ है? ये हुआ है सुलेमान के साथ। जब परमेश्वर सुलेमान को दर्शन देते हैं स्वप्न में और सुलेमान से बोलते हैं कि बोल तुझे क्या वरदान चाहिए, तो क्या आशीष चाहता है। हमने बहुत सारे पिक्चरों में देखा होगा, बहुत सारे सीरियल में, कि जब भगवान आते हैं, गॉड आते हैं, वो बोलते हैं बता तो क्या वरदान चाहता है। कोई बोलता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ, कोई बोलता है कि मैं दीर्घायु होना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं ये होना चाहता हूँ, वो होना चाहता हूँ। लेकिन जब परमेश्वर सुलेमान के पास आ रहे हैं और वो बोलते हैं तू क्या चाहता है, बता तेरी क्या ख्वाहिश है, तो बोलता है कि लॉर्ड गिव मी विजडम, मुझे बुद्धि दे, क्यों कि मैं तेरे राज्य को बढ़ा सकूँ, तेरी इन भेड़ों की चरवाही कर सकूँ। उसने राज्य की चिंता करी, सुलेमान ने उस प्रिंसिपल को फॉलो किया और उसके बदले आप देख सकते हैं कि जितनी धन संपत्ति सुलेमान के पास थी उतनी आज तक किसी के पास नहीं हुई, ना ही आगे कभी होगी, ऐसा बाइबल कहती है। लेकिन उसको ये शानो शौकत, ये धन संपत्ति, ये सब कैसे अर्जित की उसने? बाइबल के प्रिंसिपल को फॉलो करके। उसने पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंता करी, परमेश्वर के राज्य को उसने खोजने का प्रयास किया। उसने बोला परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे राज्य को अच्छे से बढ़ा सकूं, तेरी प्रजा का मैं अच्छे से संचालन कर सकूं। और परमेश्वर को ये बात इतनी प्रसन्न आई, उस परमेश्वर का जो कह सकते हैं कि ना दिल बाग बाग हो गया, और उसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें बुद्धि ही नहीं लेकिन बुद्धि के साथ साथ और सब कुछ भी दूंगा, क्योंकि तुमने पहले मेरे राज्य की चिंता करी। तो आप भी अगर अपने जीवन में बहुत से सपने संजो कर रखे हैं आपने, है ना, आपको जैसे मैंने बताया कि आप इज़राइल जाना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, आपका घर हो, कार हो, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल क्या है? पहले उसके राज्य की आपको चिंता करनी है, आपको लोगों को गॉस्पेल शेयर करना है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, आपको बहुत से फल लेकर आने हैं। और जब परमेश्वर देखेंगे कि आप उसके राज्य को बढ़ा रहे हैं, वो आपके राज्य को बढ़ाएगा, आप उसके घर को बांधेंगे, वो आपके घर को बांधेगा। प्रभु आपको इन वचनों की तरफ बहुत आशीषित करें। आप इन वीडियोस को सिर्फ सुना ना करें, सुनने के साथ साथ शेयर भी किया करें। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी आप प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालता हूँ आपको वो मिलता रहे। आप चाहते हैं मुझे मिनिस्ट्री में सपोर्ट करना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, थंबनेल में आप देख सकते हैं, और उसमें आप गूगल पे, फ़ोनपे, अन्य किसी भी माध्यम से आप जो है मदद कर सकते हैं। आप एक अच्छी भूमि में बोने जा रहे हैं, प्रभु आपको ज़रूर बहुत सी कटनी काटने का अनुग्रह देगा। तो मैं शिवशंकर तिवारी आप सबको प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। इन वीडियोस को शेयर करें, आशीषित हों, प्रभु में बढ़ते रहें, आशीषित हों। आमेन।